गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपने चैनल के ऊपर कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की अपने टेस्ट श्रृंखला आयोजित कर रखी है। अपने जो फर्स्ट टेस्ट हुआ था वो हुआ था भैया पॉलिटिकल सेकंड का। जो फर्स्ट चैप्टर था शीतयुद्ध का दौर, उस चैप्टर का अपने टेस्ट हुआ था। आज अपने बात करेंगे भैया सेकंड टेस्ट की, और ये भी अपने कौन से सब्जेक्ट का है, पॉलिटिकल साइंस का। इसके बाद का जो टेस्ट होगा वो होगा भैया आपके इतिहास का टेस्ट होगा। फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा ईंट मन के और उद्योग वाला जो चैप्टर था भैया अपने, उसका टेस्ट होगा। ठीक है, कब होगा वो आपको सूचना जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर दे दी जाएगी। आज अपने भैया पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड चैप्टर है द्विध्रुवीयता की समाप्ति, इस चैप्टर के अपने छोटे 15 क्वेश्चनों का टेस्ट है। और ये 15 क्वेश्चन कौन से हैं भैया, ये ऐसे क्वेश्चन है जो सभी के सभी आपकी एग्जाम में पूछे हुए हैं। कक्षा 12 की जो एग्जाम हुई है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड की हो, चाहे यूपी बोर्ड, चाहे एमपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड की हो, उनमें सभी में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं भैया आंसर की। देखो, कई स्टूडेंट को, जैसे मैंने लास्ट टेस्ट अपने जो पहला टेस्ट हुआ था उस समय भी एक बात बताई थी, आज वापस बता रहा हूं, सुन लेना आप, थोड़ा सा अमल करना, थोड़ा सा ध्यान देना भैया, क्योंकि लॉस आपका ही है। लास्ट पेपर में भी भैया मैंने, या फर्स्ट टेस्ट में भी कई स्टूडेंट की मैंने कॉपियां चेक नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? क्योंकि जो आपने आंसर देने का तरीका था ना भैया, वो आपका गलत था। मैं बार बार आपको कहता आया हूं कि आपको आंसर जो है वो एक साथ देने हैं, एक ही कमेंट में देने हैं। आप क्या कर रहे हो, पहले का आंसर दे दिया, ठीक है, फिर छठवें का दे दिया, फिर सातवें का दे दिया। मैंने आपको कहा था भैया, आपको वीडियो बनाया हुआ है अपना प्लेलिस्ट में, आप देखना। पहला जो वीडियो है वो है टेस्ट कब कहाँ कैसे देना है, किस प्रकार उत्तर देना है, सारी चीज़ें उसमें बताई हुई है, लेकिन फिर भी आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो उससे मतलब क्या निकला, ना तो आपकी कॉपी चेक हो रही है, ना आपको मैं कुछ राय दे रहा हूँ, और ना आप फॉलो कर रहे हो, तो क्या मतलब हुआ उससे? ठीक है, तो कहने का मतलब है भैया, जो भी आप आंसर दो, आंसर कहाँ देने हैं, या तो अपने टेलीग्राम पे देना है, या फिर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कैसे देना है वो सुन लो। अगर आप जैसे भैया, या तो इनके आंसर जो है वो आप कॉपी में नोट कर लो, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके, फोटो लेके मेरे पास में सेंड कर दो, या फिर अगर आप कमेंट बॉक्स में दे रहे, तो भैया सभी क्वेश्चनों के आंसर एक ही कमेंट में लिखो सारे, ठीक है, फिर मेरे पास उसका कमेंट करो, फिर मेरे पास सेंड करो। ऐसे नहीं कि एक का पहले का आंसर भेज दिया, फिर दूसरे का भेज दो, फिर तीसरे का, अलग अलग नहीं भेजना है, अलग अलग भेजोगे भैया आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। ओके भैया, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखो भैया, सारे के सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी मोस्ट है, चाहे तो आप इनको कॉपी में नोट कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है भैया, बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ था, कब हुआ था भैया, 1961, 1962, 1971, 1972। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसे मत कर देना 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, आपको सन लिखनी है आंसर में, ठीक है ना, सन आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है भैया, शॉक थेरेपी की प्रणाली अपनाई गई थी, कब अपनाई गई थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, इनमें से अंतिम राष्ट्रपति कौन था भैया सोवियत संघ का, ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना भैया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी, मतलब इनमें से बर्लिन की दीवार है, या शॉक थेरेपी है, या चीन की दीवार है, या क्यूबा मिसाइल संकट है, इनमें से किसको अपने पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच विभाजन का प्रतीक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, रूस की क्रांति हुई थी, रूस में भैया जो क्रांति हुई थी, इसको अपने बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, वो कब हुई थी, 1917 में हुई थी, या 1918, या 1919, या 1920। ये तो हो गए भैया एबेसडर वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 1 नंबर के या 2 नंबर के पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आता है भैया, अपने सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, आपको सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था वो ईयर बताना है, साल बताना है, 1990 है, 91, 92, 93 जो भी है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है भैया, सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था, मतलब सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे, या कितने देशों से मिलकर वह बना था, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन सा गणराज्य बना था,
मतलब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ की समाप्ति हो गई, फिर उसका एक देश उत्तराधिकारी बना था, वह देश कौन सा था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया, शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। शोक थेरेपी की प्रक्रिया आपने सोवियत संघ ने अपनाई थी, पता है आपको। अब ये है क्या शोक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ बताना है आपको, सिर्फ एक ही लाइन में आंसर देना है, डिटेल से नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया, भारतीय सेना को हथियारों की आपूर्ति कराने में किस देश का अहम योगदान है। मतलब अपने जो ब्रिटिश सेना, ये सॉरी भारतीय जो सेना है भैया, उस सेना को सबसे ज़्यादा हथियार जो है वो कौन सा देश उपलब्ध कराता है, उसका आपको नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है भैया, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा किन गणराज्यों ने की थी। मतलब सबसे पहले ये किसने, किन तीन देशों ने सोवियत संघ के विघटन की या समाप्ति की घोषणा की थी, उन तीन गणराज्यों को आपको नाम बताना है जिन्होंने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है भैया, मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्षों तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। मतलब जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हो गया, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भैया एक देश ऐसा था जहां पर गृह युद्ध हुआ था लगभग 10 सालों तक, 2001 तक, वह देश कौन सा था। 13वां क्वेश्चन है भैया, सोवियत संघ पर किस पार्टी ने लगभग 70 सालों तक शासन किया था। वह कौन सी पार्टी है जिसने सोवियत संघ पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है भैया, 2001 में भारत ने किस देश के साथ 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों को लेकर हस्ताक्षर या संधि की थी, ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 15 है भैया, इतिहास की सबसे बड़ी ग्रास सेल किसे कहा जाता है। ये 15 क्वेश्चन है भैया आपके पॉलिटिकल साइंस के कक्षा 12 चैप्टर सेकेंड 2 दूरवेता की समाप्ति, उस चैप्टर का ये अपने क्या है, टेस्ट है। देखो भैया एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कई स्टूडेंट अपने बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो थोड़े जल्दी जल्दी डालो। देखो जहाँ तक अपने जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता है, नए स्टूडेंट जो मेरे से जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि अपनी पॉलिटिकल की एक बुक तो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आया वेश विकरण वाला, सेकेंड बुक अपने स्टार्ट कर दी है, दूसरा चैप्टर अपने चल रहा है भैया एक दल के प्रभुत्व का दौर, वह चैप्टर अपने चल रहा है। तो कहने का मतलब है अपने लगभग 50 से 55% सिलेबस कर लिया है। हिस्ट्री के अंदर भैया आपने एक बुक कंप्लीट कर दी है, सेकेंड बुक जो है उसका 6ठा चैप्टर अपने चल रहा है, समझ रहे हो आप। तो कहने का मतलब है भैया मैं 50% से ऊपर सिलेबस आपको करा चुका हूँ। इस महीने भैया थोड़ा सा बिजी रहूँगा क्योंकि देखो अब स्कूलें भी खुल गई है, स्कूल में भी टाइम देना पड़ता है, घर पे भी टाइम देना पड़ता है, थोड़ा सा अपने घर पे मकानों वगैरह का काम भी चला रखा है, तो अपने इतने जल्दी जल्दी वीडियो आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊँगा, ज़्यादा नहीं है, बस लास्ट अपने 10 से 15 दिन की बात है, 10 से 15 दिन बाद में कोई अपने दिक्कत नहीं आएगी, आपको डेली वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक आप जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है उनको तैयार करो, आप उनके नोट्स, वीडियो के लास्ट में नोट्स लिखा था हूँ वो आप नोट कर लो। ये जो क्वेश्चन आपको भैया टेस्ट में दे रहा हूँ खासतौर से इनको आपको ज़रूर से याद करना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। ओके भैया, तो ये था आपका टेस्ट, कल इसी समय आपको इसकी आंसर की उपलब्ध करा दी जाएगी, और जो टॉपर्स रहेंगे उनके नाम टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या नो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें घोषणा कर दी जाएगी। ओके भैया, दैट्स ऑल।